हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू और धमाकेदार वीडियो में। सो गाइज, आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सो गाइज, इफ यू रियली वॉन्ट टू मोटिवेट मी फॉर मेकिंग मोर वीडियोज, प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले पिक्सल लैब पर आना है और उसके बाद हमें इस टेक्स्ट को सिंपली डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद हमें सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इमेज साइज में क्लिक करना है और यहां से हमें यूट्यूब थंबनेल को सेलेक्ट कर लेना है। और अब हमें सिंपली इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में से अपने लोगों को इम्पोर्ट कर लेना है और सिंपली उसे कुछ इस प्रकार से क्रॉप कर लेना है। और अब हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करना है और रिलेटिव मोशन पर क्लिक करना है और हमें बीच की दोनों बटन्स पर क्लिक कर देना है। अब हमें और स्क्रॉल करना है और यहाँ से हमें स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर जाके इसे इनेबल कर देना है और हमें सिंपली स्ट्रोक को 3 पर रखना है। अब हमें एक बार फिर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें ट्रांसपेरेंट वाले बटन पर क्लिक करके सिंपली अपनी इमेज को सेव कर लेना है। इमेज सेव हो जाने के बाद अब हमें सिंपली इस वाले बटन पर क्लिक करना है और अब हमें वापस से उसी ऑप्शन पर चलना है और यहाँ से हमें स्क्रॉल डाउन करके सिंपली शैडो वाले ऑप्शन पर जाना है और इसे इनेबल कर देना है। अब हमें सिंपली अपने लोगो के कलर के हिसाब से इसकी शैडो चूज़ करना है और इसकी शैडो हमें सिंपली 13 पर रखना है। अब हमें एक बार फिर से इसके बैकग्राउंड को भी ट्रांसपेरेंट करके इसे भी सिंपली सेव कर लेना है। इस इमेज के सेव हो जाने के बाद अब हमें सिंपली फिर से उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से अब हमें सिंपली इस लोगो को डिलीट कर देना है। और अब हमें फिर से प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से एक टेक्स्ट को इम्पोर्ट कर लेना है और अब हमें सिंपली अपने चैनल का नाम इस टेक्स्ट में डाल देना है। इसके बाद अब हमें सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके हमें सिंपली फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां से हमें बॉम्बर स्कॉट नाम के फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। इस फॉन्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हमें थोड़ा ऊपर स्लाइड करना है और यहाँ से हमें टेक्सचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद हमें सिंपली गैलरी से अपने लोगों को इम्पोर्ट करके उसे कुछ इस प्रकार से क्रॉप कर लेना है। और अब हमें इसके मेंटेन रेशियो वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। अब हमें फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और स्ट्रोक में चलना है। यहाँ से हमें स्ट्रोक को इनेबल करना है और सिंपली इसके कलर को वाइट पे रखना है। और अब हमें शैडो वाले ऑप्शन पर जाकर इसे भी इनेबल कर देना है और इसके कलर को भी हमें अपने लोगो कलर के जैसे ही रखना है। अब हमें स्पेसिंग वाले ऑप्शन पर जाके सिंपली इसकी स्पेसिंग को 5 पर सेट कर देना है। अब ऊपर की ओर स्लाइड करके हमें इसके टेक्स्ट साइज़ पर जाना है और इसके थोड़ा साइज़ बढ़ा के इसे सेंटर पर अलाइन कर देना है और इसके ही बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके हमें इसे भी सिंपली सेव कर लेना है। काइन मास्टर में आने के बाद अब हम एक ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को सेलेक्ट करते हैं और सिंपली उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अब हमें लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली अपने शैडो वाले लोगों को इंपोर्ट कर लेना है और इसे थोड़ा सा इस तरह से फिट कर लेते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। इसके बाद अब हमें लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इफेक्ट में चलना है। यहाँ से हमें सिंपली मिराज इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। इसी को सेलेक्ट करने के बाद अब हम सिंपली इसे थोड़ा सा इस तरह से फिट कर लेते हैं। अब हम इसकी सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ से हमें इसके मोड को 2 पर सेट करना है और स्पीड को 30 पर और हमें इसकी स्ट्रेंथ को फुल कर देना है। अब हमें सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और रिवर्स डायरेक्शन को 1 पर सेट कर देना है। इसे भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हमारे सामने अपने लोगों का एक बेहतरीन सेबर इफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हमें एक बार फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया में जाना है और यहाँ से हमें अपने लोगों को जिसमें हमने शैडो नहीं रखी थी सिंपली उसे इंपोर्ट कर लेना है और उसे कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर सेट कर देना है। इसके एक बार अच्छी तरह से सेट हो जाने के बाद अब हमें फिर से एक बार लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर से हमें मीडिया में चल के अपने वाइट स्मोक को सिंपली इंसर्ट कर लेना है।
अब हमें स्क्रॉल डाउन करना है और इसकी ब्रांडिंग वाले ऑप्शन पर चलना है और वहाँ से हमें इसकी ब्रांडिंग को सिंपली मल्टीप्लाई पर सेट कर देना है। इसके बाद अब हम इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमें इस क्लिप को 4 सेकंड्स पर ले जाकर स्टॉप कर देना है और सिंपली इसे स्मोक का आगे का पार्ट हमें इस वाले ऑप्शन पर जाकर ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक करके इसे कट कर देना है। अब हमें इसके आउट एनिमेशन में जाकर इसके आउट एनिमेशन को फेड पर रखना है और इसकी टाइमिंग को 1.5 सेकंड पर रख देना है। अब हमें अपनी क्लिप को 3.5 सेकंड पर ले जाकर स्टॉप करना है और स्टॉप करने के बाद हमें लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और वहां से मीडिया में जाके हमें अपने चैनल के नाम को जिसको हमने अभी अभी पिक्सल लैब से इंपोर्ट किया है सिंपली उसे इंसर्ट कर लेना है और उसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद अब हमें इसके इन एनिमेशन पर जाना है और इसके इन एनिमेशन को फेड पर सेट करना है और इसकी टाइमिंग को 1.5 सेकंड्स रखना है। अब मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमारी यहाँ तक की प्रोसेस तो एकदम परफेक्ट लग रही है। अब हमें सिंपली इसे एक्सपोर्ट करना है। तो दोस्तों अब बारी है हमारे फाइनल एडिट की। इस बैकग्राउंड की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम इसे सिंपली एक्सटेंड कर लेते हैं और हमें इसे सिंपली 9 सेकंड्स तक ही एक्सटेंड करना है। उसके बाद अब हमें फिर से इसके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे हमें जूम इन करना है कुछ इस प्रकार से और सेकेंड वाले को कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है। इसके बाद हमें लेयर वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया में जाके हमें सिंपली एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। अब हमें स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन पर जाकर इसे फिट टू स्क्रीन पर सेट कर देना है। अब हमें स्क्रॉल डाउन करना है और सिंपली इसकी ओपेसिटी को 85 पर सेट कर देना है। अब हमें लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया में जाना है और सिंपली ब्लू वाले स्मोक को इंसर्ट कर लेना है। इसके बाद अब हमें फिर से इस वाले ऑप्शन पर जाना है और इसे फिट टू स्क्रीन पर सेट कर देना है। अब हमें स्क्रॉल डाउन करना है और एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और चलना है ह्यू वाले ऑप्शन पे और वहाँ पे हमें अपने लोगों के कलर के हिसाब से इस स्मोक के कलर को भी सेट कर लेना है। अब हमें इसकी ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर चल के इसकी ओपेसिटी को सिंपली 80 पर सेट कर देना है। अब हमें स्क्रॉल डाउन करके सिंपली इसकी ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर चलना है और इसकी ब्लेंडिंग को स्क्रीन पर सेट कर देना है। अब हमें इस क्लिप को 5 सेकंड्स पर ले जाकर स्टॉप करना है। इसके बाद अब हमें इस स्मोक वाले ओवरले को यहाँ से ट्रिम टू राइट ऑफ द प्ले ऐड करके कट कर देना है और इसके आउट एनिमेशन को सिंपली फेड पर सेट करके इसकी टाइमिंग को 1.5 सेकंड्स रखना है। अब हमें लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पर जाके हमने जो भी काइन मास्टर से वीडियो एक्सपोर्ट की थी सिंपली उसे इंसर्ट कर लेना है और स्क्रॉल डाउन करना है और चलना है इसकी ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे और वहाँ से हमें इसकी ब्लेंडिंग को स्क्रीन पर सेट कर देना है। इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें एक बार फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से स्टिकर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें इस सिनेमैटिक फ्रेम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहाँ से हमें इस वाले फ्रेम को सेलेक्ट कर लेना है और उसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। ये फ्रेम्स आपको काइन मास्टर के एसेट्स स्टोर में मिल जाएंगे। अब हमें सिंपली अपनी क्लिप को 6.5 सेकंड्स पर ले जाकर स्टॉप करना है और उसके बाद हमें लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर जाना है और वहाँ से हमें सिंपली ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना है और अब हमें एक बार फिर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे फिट टू स्क्रीन पर सेट करना है और उसके बाद ओवरऑल एनिमेशन में जाकर हमें सिंपली इसे फ्लिकर पर सेट कर देना है। अब हमें स्क्रॉल डाउन करना है और चलना है अब इसकी ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे और वहाँ से हमें इसकी ब्लेंडिंग को सिंपली ओवरले पर सेट कर देना है। अब हमें इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से इसका डुप्लीकेट करना है। उसके बाद अब हमें सिंपली इस क्लिप को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और यहाँ से हमें इस पोजीशन पर आके इस क्लिप को थोड़ा सा कट कर देना है और कट करने के बाद हमें सिंपली इसे ड्रैग करके इसके थोड़ा सा बीच में ले जाना है और सिंपली इसका भी एक डुप्लीकेट बनाना है और उसे भी इसके इस थोड़े ही दूरी पे लगा देना है। अब हमें अपने ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें अपने बैकग्राउंड साउंड को सेलेक्ट कर लेना है।
अब हमें इस कॉर्नर पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद ऑडियो वाले सेक्शन में आकर स्क्रॉल डाउन करना है और उसके ऑडियो फेड इन को ऑन कर देना है। उसके बाद वीडियो वाले सेक्शन में चलना है और इसके वीडियो फेड इन और वीडियो फेड आउट दोनों को ऑन करके इनकी टाइमिंग्स को 1.5 सेकंड्स पर सेट कर देना है। सो गाइज, अब हमारी वीडियो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना ऑसम इंट्रो बना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे कॉर्नी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।